एर्दोगन की एक ख्वाहिश है कि मुस्लिम देशों में जो भी हो वो उनके इशारे पर, उनके कहने पर, उनके मुताबिक हो, ताकि वो खुद को खलीफा साबित कर सकें। लेकिन तालिबान ने तुर्की के राष्ट्रपति की हेकड़ी निकाल दी। तालिबान और अमेरिका दोनों को खुश करने के चक्कर में एर्दोगन को बड़ा झटका तालिबान से लगा है। तालिबान से काबुल एयरपोर्ट खाली करने की धमकी मिलने के बाद एर्दोगन अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट को लेकर आखिर तालिबान तुर्की में क्यों ठनी हुई है, इसका जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। धमकाने लगा तालिबान, खलीफा गिरी भूले एर्दोगन। काबुल पर तालिबान का प्रहार, अमेरिका से एर्दोगन की गुहार। सलमानों का बनेंगे लीडर, तालिबान की धमकी का इतना डर। काबुल में रॉकेट बरस रहा है और डर से कांप रहे हैं तुर्की के तानाशाह एर्दोगन। मुस्लिम देशों के हर मामले में बढ़ चढ़कर बोलने वाले एर्दोगन की बोली बदल गई है। बड़े बड़े देशों को चैलेंज करने वाले एर्दोगन तालिबान के आतंकियों से डरे हुए हैं। डर की वजह है तालिबान की धमकी। काबुल तक तालिबानियों के रॉकेट की पहुंच और तुर्की के तानाशाह एर्दोगन की हैसियत। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले एर्दोगन की हालत उन तालिबानियों ने खराब कर दी है जिनके पास बहुत ज्यादा हथियार भी नहीं है। तालिबान'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. तालिबान के सामने कुछ खास मुद्दे हैं। हम तालिबान के साथ मिलकर इस प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत की थी। तालिबान को तुर्की के साथ इस बातचीत को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की को तालिबान की विचारधारा से कोई परहेज नहीं है। मेरा मानना है कि हम इन मुद्दों पर उनसे बेहतर चर्चा कर सकते हैं और सहमत हो सकते हैं। एर्दोगन ने खुद को मुस्लिम देशों का लीडर बनाने के लिए नई रणनीति बनाई थी। एर्दोगन सबको खुश करना चाहते थे। काबुल के एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर तुर्की अमेरिका के सामने बेहतर छवि बना रहा था, तो वहीं तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार को भरोसे में लेना चाहते थे। काबुल में फौज रखकर एर्दोगन ये मैसेज देना चाहते थे कि तालिबान को कंट्रोल में रखना अब उनके ही हाथ में, लेकिन एर्दोगन की ये चाल कामयाब नहीं हुई। तालिबान ने तुर्की को काबुल से फौज हटाने या अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। जब काबुल के प्रेसिडेंट पैलेस पर रॉकेट बरसने लगे तो एर्दोगन की बेचैनी बढ़ गई। एर्दोगन को अब अपनी सुरक्षा की फिक्र सताने लगी है, लेकिन हद तो यह है कि खलीफागिरी करने वाले एर्दोगन अपनी फौज की सुरक्षा में सक्षम भी नहीं लग रहे, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। एर्दोगन ने अमेरिका से लॉजिस्टिक सपोर्ट मांगा है। तुर्की की फौज को फंड और राजनयिक समर्थन भी चाहिए। अमेरिका मदद करे तभी तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा करेगा। तालिबान कह रहा है कि तुर्की फौरन काबुल से दफा हो जाए, तो दूसरी तरफ एर्दोगन अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। अगर काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की की सेना मौजूद रही तो आगे क्या होगा? तालिबान इसी तरीके से एयरपोर्ट पर कब्जे के लिए बम भी बरसा सकता है। एर्दोगन करना क्या चाहते हैं ये समझिए।
तुर्की और अमेरिका का रिश्ता अपने बहुत ही बुरे दौर में है। रूस से नजदीकी की वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज है और तुर्की पर कई तरह की पाबंदी लगा चुका है। अब एर्दोगान चाहते हैं कि काबुल में सेना रखकर वो अमेरिका को खुश कर दें। काबुल का एयरपोर्ट बेहद अहमियत रखता है। अफगानिस्तान का एयर स्पेस एक अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट है। एशिया और यूरोप जाने के लिए ये अहम एयर रूट है। काबुल एयरपोर्ट के जरिए मध्य एशिया के हवाई क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिका ईरान और रूस की वजह से इस इलाके में एक एयरबेस चाहता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एयरबेस देने का ऑफर भी दिया है, लेकिन इमरान खान का तालिबान प्रेम भारी पड़ा। यही वजह है कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए राजी है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे का बोझ नहीं छोड़ पा रहा। एर्दोगान जानते हैं कि अगर काबुल एयरपोर्ट उनके कब्जे में रहा तो अमेरिका तुर्की को एक मददगार की नजर से देखेगा। तुर्की दूसरे कई देशों से भी अच्छे रिश्ते कायम कर लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से गुजरने वाला हर विमान काबुल एयरपोर्ट से संवाद करेगा। जरूरत पड़ने पर तुर्की कई देशों के विमान को स्टॉपेज और ईंधन भी दे सकता है। एर्दोगान चाहते थे कि तालिबान से उनके रिश्ते अच्छे रहें और उनकी रणनीति भी कामयाब हो जाए। यही वजह है कि काबुल में तुर्की ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी है। पाकिस्तान तालिबान का मददगार है और अगर तुर्की के साथ पाकिस्तान की मौजूदगी काबुल में रहे तो तालिबान तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एर्दोगान का गेम तालिबान खराब कर रहा है। तालिबान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि काबुल से तुर्की की फौज भी वापस लौटे। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एर्दोगान इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें फैसला तालिबान और अमेरिका से दोस्ती का करना है। तुर्की को अमेरिका और काबुल एयरपोर्ट से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन एर्दोगान शायद पहली गोली कौन चलाए इस कश्मकश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।